कानून की किताब में अगर इंसानियत के लिए दरवाजे खुले हों तो सजा व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के अकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन जब सजा का पैमाना मन माफिक हो तो थोड़े से अपराध के लिए भी दी जाने वाली सजा इंसानियत की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाती है, मानवता के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में सजा के कुछ उन प्रावधानों के बारे में जो राजाओं महाराजाओं के द्वारा तय किए जाते थे, जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा आज का वीडियो आखिर तक वो लोग जरूर देखें जिनमें सच को सुनने और सहन करने की हिम्मत है। बच्चे, मानसिक रूप से कमजोर लोगों और जो कमजोर दिल वाले लोग हैं वो एक बार विचार कर लें। वीडियो को जानकारी के दृष्टिकोण से देखना ठीक है, इसीलिए इसे केवल इनफॉर्मल वीडियो समझिएगा। चाइना, अफ्रीका, भारत जैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजा महाराजा चूहों और हाथियों के साथ साथ जानवरों के जरिए अपराधियों को सजा दिलवाया करते थे। जब उनके पनिशमेंट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाता था, यानी जिन्होंने अपराध किया है उन्हें सजा दी जाती थी, तो इससे वो अपना मनोरंजन किया करते थे। अपराध कई तरह के हो सकते थे। राजतंत्र के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी अपराध हो सकता था। आयरन चेयर टॉर्चर, ऐसे अपराधी जो अपराध करने के बाद अपना गुनाह छुपा ले जाते हैं, उनसे पूछताछ के लिए इस आयरन चेयर या चाइनीज चेयर का इस्तेमाल किया जाता था। देने का ये तरीका डेंजरस है, उतना ही अमानवीय भी। एक ऐसी कुर्सी थी जिसमें बैठने के साथ साथ पीछे टिककर बैठने जाने के बीच वाली जगह, हाथ रखने की जगह पर नुकीले लॉक वाली पीतल की कीलें लगी थी, जिनका साइज छोटा और बड़ा रखा गया था। जब किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करके लाया जाता तो उसे इसी चेयर पर बैठा दिया जाता था। इसके बाद नीचे से आग लगा दी, कीलें गर्म होती और उस आदमी के शरीर को पकाना शुरू कर देती। उसे जब तक बैठा कर रखते थे जब तक कि वो सच्चाई न बता दे। अगर वो व्यक्ति निर्दोष होता था तो उसे छोड़ भी दिया जाता था, लेकिन आप समझ सकते हैं ऐसी एक चेयर में 500 से लेकर 1500 सीटें होती हैं, और बैठने के बाद किसी का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज ब्रेजियन बुल। प्राचीन ग्रीस में सजा देने का ये तरीका अपनाया डेंजरस है, उतना ही दिल दहला देने वाला भी। इसमें ब्रोंज मेटल का एक बहुत बड़ा सा बैल होता था जो ऊपर यानी अपनी पीठ की तरफ से खुल जाता था। अपराधी को पकड़कर इस बैल के भीतर रख दिया जाता था, फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि भीतर पहुंच चुके इंसान की क्या हालत होती थी। जब उस इंसान की चीखें निकलती थी तो इस बैल के मुंह में कुछ ऐसी डिवाइस लगी थी कि उसकी चीखें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की तरह सुनाई देती थी। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता था उसमें बदबू ना हो, इसके लिए कुछ सुगंधित परफ्यूम जाता था जिससे कि वहां से निकलने वाला धुआं खुशबूदार रहे। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसने जब इसे राजा के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा फेलोरिस इसे नाम देंगे, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले इसे ही उस बैल के भीतर डाल दिया। जब वो मरने लगा तो उसे राजा ने बाहर निकाल लिया, लेकिन बाहर निकालने के बाद भी उसे मरवा दिया। इसे ब्रॉन्ज या सिसिलियन बुल भी कहते हैं। एक जंग के दौरान प्राचीन ग्रीक का राजा फेलोरिस हार गया और उसे टेल मैथिस ने हराया था। उसने हारे हुए राजा फेलोरिस को भी ब्रॉन्ज बुल की सजा ही दी। ड्यूडोरस सिकोलस की एक पुस्तक बिबली ओथीसा हिस्टोरिका के अनुसार सजा के इस तरीके की खोज ग्रीक कलाकार फेरिलियोस ने की थी। नेक्स्ट इज रेट टॉर्चर। इस सजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी, जहां यूरोप में डच नेता ड्रिडरिक सो ने कैदियों को सजा देने के लिए इस तरह के खतरनाक तरीके की शुरुआत की थी। एक ऐसी सजा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। अपराधी को बेंच पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसके पीठ के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था। लोहे के एक पिंजरे में एक चूहा मौजूद होता था और पिंजरे के ऊपर जलती हुई आग का एक बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था और चूहे को गर्मी लगती थी। ऐसी सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था। एलिजाबेथ ड्यूक की रोमन कैथोलिक नामक राइटर ने यह आरोप लगाया कि टावर ऑफ लंदन के नीचे थेम्स पूरी तरह से अंधेरा कमरा है। बारिश के दिनों में जब नदी का पानी ऊपर आता है तो चूहे भागकर इसी कमरे में आ जाते हैं। कैदियों को सजा देने के लिए इसी कमरे में बांध दिया जाता था। बाद में कैदियों से सच उगलवाने के लिए भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। चूहों द्वारा कुतरकर मारे जाने की भयानक सजा से डरकर अक्सर अपराधी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। नेक्स्ट इज मिल्क एंड हनी स्केप्टिसिज्म। ये सजा पर्शियन एम्पायर में दी जाती थी। 5वीं शताब्दी में पर्शियन एम्पायर में दो भाई आपस में राज सिंहासन के लिए युद्ध लड़ रहे थे। ये घटना 401 बीसी की है, जहां बड़ा भाई ओरेसिस और छोटा भाई साइरस युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। ये लड़ाई क्यूनाक्षा में हो रही थी। इस लड़ाई में मिथिडीस नाम से एक ऐसा सैनिक लड़ रहा था जिसने गलती से अपने ही राजा साइरस की हत्या युद्ध के मैदान में कर दी। इस प्रकार इस युद्ध में ओरेसिस की जीत होती है, मगर वो अपने ही राजा को मारने वाले सैनिक से कहता है कि वो दुनिया को कभी ये ना बताए कि सैनिक ने साइरस राजा को मारा है, बल्कि ये कहे कि ओरेसिस ने ही राजा को मारा है। वो सैनिक ऐसा ही करता है, लेकिन एक दिन नशे की हालत में उस सैनिक के मुंह से सच्चाई निकल जाती है।
और दुनिया को पता चल जाता है कि साइरस को राजा ने नहीं मारा बल्कि उसने खुद ही मारा है। इसके बाद तो उसे सैनिक की शामत आ जाती है। राजा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और मेथोडिस को काफिरिज्म की सजा देता है। ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है अंदर से खोखला। इस सजा के तहत इस नाव में अपराधी को लिटा दिया जाता था और उसके ऊपर से दूसरी नाव ढक दी जाती थी। अपराधी का सिर बाहर होता था, इसके साथ ही उसके दोनों हाथ पांव भी बाहर होते थे और ऊपर वाली नाव अपराधी के ऊपर रख दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि अपराधी निकलकर भाग न जाए। उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता था। इसके बाद अपराधी के शरीर के ऊपर शहद और दूध मिलाकर गिराया जाता था जिससे उसके शरीर पर मिठास चिपक जाती थी और साथ ही उसे शहद और दूध भी पिलाया जाता था जिसकी वजह से उसके शरीर से मिठास की गंध फैलने लगती है और कीड़े मकोड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये मक्खियां कीड़े मकोड़े चूहे गुनहगार को घेर कर उसके शरीर को खाना शुरू कर देते थे। इस तरह उस व्यक्ति को कई हफ्तों तक दूध और शहद का घोल पिलाकर जिंदा रखा जाता था। इस सजा के बारे में आज से 950 साल पुराने एक किताब प्लूटोर्थ लाइफ ऑफ आर्थाजेर्स में मिलता है। मिथ्रिडीज को भी यही सजा मिली और वो इस तरह के दौरान 17 दिनों तक सर्वाइव कर पाया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ब्लड में पॉइजन आ जाने से बताई गई। उसके ब्लड में ये पॉइजन कीड़ों की वजह से आया था। पर्शियन अंपायर ने इस सजा की शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद से बहुत से राजाओं ने अपने स्टेट में इस तरह की सजा को लागू किया। अंपायर का एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 220 सालों तक चलता रहा और इस दौरान कितने लोगों को ये सजा दी गई इसका कोई फिगर नहीं मिलता। नेक्स्ट इज लिंची। सजा देने का ये तरीका चीन में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें अपराधी के शरीर को हजारों बार अलग अलग जगहों पर काटा जाता था लेकिन उसके शरीर पर ये कट ऊपरी तौर पर लगाए जाते थे। लिंची शब्द तीसरी शताब्दी की एक किताब जुनसी के 28वें चैप्टर के एक लाइन में इस्तेमाल किया गया। तीन चरणों में दी जाने वाले इस सजा के पहले चरण में गुनहगार को एक सार्वजनिक स्थान पर बांध दिया गया जिससे कि सभी लोग उसे देख सके। इसके बाद एक धारदार चाकू से उसके शरीर पर धीरे धीरे कट लगाया जाता था। चाइनीज लोगों का मानना था कि गुनहगार को इस तरह टुकड़ों में सजा देने से उसकी आत्मा कम मरने के बाद भी संपूर्ण नहीं होती। कई बार इस सजा को 3 दिनों तक दिया जाता था। इसमें गुनहगार के शरीर पर 3000 से ज्यादा कट लगाए जाते थे और उसके शरीर के अंगों को धीरे धीरे निकाल लिया जाता था। बाद में गुनहगार के शरीर के अंगों को दवाई के रूप में बेचा जाता था। यदि गुनहगार के परिवार पैसे वाला हुआ तो वो घूस देकर अपराधी को एक ही बार में मरवा देता था। लिंची को पहली बार सन 1890 में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और ये काम विलियम ऑर्थर्ड कर्टिस ने किया था। हालांकि चीन की सरकार ने 1950 में इस सजा पर बैन लगा दिया था लेकिन इसके बावजूद समाचार पत्र द टाइम्स की एक खबर में 9 दिसंबर साल 1927 में चीन के वंचो शहर में इस सजा को देने का जिक्र आता है। नेक्स्ट इज हाथी से कुचलवा देना। इस सजा को सबके सामने दिया जाता था। इसमें प्रशिक्षित हाथी हुआ करते थे जो इशारा मिलते ही गुनहगार को अपने पैरों के नीचे कुचल देते थे। सजा देने का यह तरीका दक्षिण एशिया में श्रीलंका भारत इंडोनेशिया जैसे देशों में यूज किया जाता था। इस सजा के बारे में तो शायद आपने सुना भी होगा क्योंकि हमारे देश में भी इस तरह की सजा दी जाती थी। खासतौर से मुगल काल में अपराधियों को इस तरह की सजा देने का प्रावधान था जिसकी शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में हुई और जहांगीर के शासनकाल तक चलती रही। हाथियों को कुछ इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता था कि वो अपराधियों को और ज्यादा तकलीफ दे सके। सन 1305 ईस्वी में दिल्ली के एक सुल्तान ने युद्ध में पकड़े गए मंगोल कैदियों को हाथियों के नीचे कुचलकर मरवा दिया था और इसे उसने एक मनोरंजन के खेल की तरह आयोजित किया था। इसके बाद इस सजा का जिक्र 17वीं शताब्दी में आता है जब मराठा एम्पायर में अन्ना दत्तो नाम का एक आदमी हुआ करता था जिसने संभाजी को भी धोखा दिया था। उसने शिवाजी महाराज की हत्या की साजिश रची थी। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी अपने बेटे के साथ रायराबाई किले में बहाराजी नाय के साथ बंद थी। ये जानकारी संभाजी महाराज से छुपाई गई थी। बाद में जब बात सामने आई तो दत्तों ने इस बात की सारी जवाबदेही संभाजी महाराज पर ही डाल दी। बार बार इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद संभाजी महाराज ने अन्ना दत्तों को हाथी के नीचे कुचल कर मार देने का आदेश दिया। धरती पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में हाथी सबसे ज्यादा भारी भरकम और ताकतवर होता है। इसे अपने साथ रखना तो स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है। राजा महाराजा अक्सर हाथियों को इसी भाव से पालते थे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।